बृहस्पतिवार को क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे धर्म में हर दिन का कुछ न कुछ अलग अलग महत्व है। सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होते हैं। ऐसे ही गुरुवार का दिन भी भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए इस दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जानी चाहिए। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु से विशेष मनोकामना की जाती है। कहा जाता है कि सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से व्रत रखने पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। बृहस्पतिवार के दिन खाने पीने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में जान लेना अति आवश्यक है कि गुरुवार के दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। केला न खाएं। शास्त्रों के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए आज के दिन भूलकर भी केले नहीं खाने चाहिए। इस दिन केले के पेड़ को जल अर्पित करके कथा सुनने से लाभ होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद केले को दान कर देना चाहिए, लेकिन व्रती या फिर पूजन करने वाले लोगों को इस दिन केला नहीं खाना चाहिए। चावल या खिचड़ी न खाएं। गुरुवार के दिन पीला भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन काली दाल की खिचड़ी या चावलों को खाना भी वर्जित माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन चावल खाने से धन हानि होती है। इस दिन की पूजा में भगवान विष्णु को चावल भूलकर भी अर्पित न करें। गुरुवार को किसी भी व्यंजन में अलग से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। नमक खाने से गुरु अस्त हो जाता है। बाल और नाखून काटने से करे परहेज। गुरुवार के दिन बाल और नाखून न काटे। ऐसा करने से कुंडली में गुरु कमजोर हो जाता है। ऐसा करने से धन हानि भी होती है। घर में इस दिन कोई भी न तो कपड़े धोए, न बाल काटे और न ही नाखून काटे।